दिल्ली हाईवे पर सुल्तानगंज की पुलिया अब विकल चौक पर नगर निगम द्वारा आधी रात मंदिर पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसे लेकर यूपी में बवाल पैदा हो गया है। हिंदूवादी नेता भी जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं और योगी को आड़े हाथों ले रहे हैं। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों लोगों ने पुलिस के सामने ही खुद को जलाने तक का ड्रामा तक कर डाला। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। जानकारी के मुताबिक आगरा दिल्ली हाईवे स्थित सुल्तानगंज की पुलिया फ्लाईओवर के नीचे सालों से ही दो हिंदू मंदिर बने हुए थे। फ्लाईओवर बनने के बावजूद भी मंदिर नहीं हटाया गया, जबकि NHAI द्वारा मंदिर बनाने के लिए अलग जमीन भी दे दी गई। पर एक मंदिर हटने को लेकर हिंदू नेता प्रशासन से ही बदसलूकी करने लगे। बीती रात 12 बजे के लगभग आगरा नगर निगम के अधिकारी वहां पहुंच गए और मूर्तियों को हटवा कर मंदिर पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसकी खबर मिलते ही हिंदूवादी नेताओं ने हंगामा करना और योगी को कोसना शुरू कर दिया। हिंदूवादियों ने मौके पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। विरोध बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इसी बीच कुछ प्रदर्शनकारी मौके का फायदा उठाकर मजार की तरफ बढ़ने लगे। मामला बढ़ता देख पुलिस ने लाठीचार्ज कर सबको वहां से भगा दिया। वहीं हिंदूवादी नेता मनोज ने मंदिर दोबारा बनाने का आश्वासन नहीं मिलने पर आत्मदाह की धमकी तक दे डाली। एक कार्यकर्ता ने अपने ऊपर पेट्रोल डाल लिया और दूसरे ने तो ड्रामेबाजी की हदें पार करते हुए अपनी चिता ही बना ली। आत्मदाह की झूठी धमकी देने वाले युवक और योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष अजय तोमर को पुलिस उल्टा लटका कर गाड़ी तक ले गई और कई और ड्रामेबाजों को पुलिस उल्टा लटका कर ले गई, जिसे लेकर अब भाजपा अपनी राजनीति चमकाने में लग गई है। भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शिवहरी ने बेतुकी बयानबाजी कर डाली है। उनका कहना है कि देश को तोड़ने वाली ताकतों के साथ प्रशासन भी मिला हुआ है। भला जिस राज्य में 5 साल से बीजेपी का ही शासन रहा है, वो ऐसा कहे ये बात तो गले से नीचे उतर ही नहीं रही है। हिंदू नेताओं के आगे अपनी फजीहत बचाने के लिए बीजेपी अब कुछ भी कह रही है। शायद भाजपा और उसके नौटंकी कार्यकर्ता ये भूल गए हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, जिसमें कहा गया था कि 1 जनवरी 2011 या उसके बाद किसी धार्मिक भवन का निर्माण, सड़कों, राजमार्गों सहित गलियों, फुटपाथों, सड़क के किनारों की अनुमति कतई न दी जाए। अगर इस प्रकार की कोई संरचना या निर्माण 1 जनवरी 2011 या उसके बाद किया गया हो तो उसे योजना बनाकर संबंधित धार्मिक संरचना के अनुयायियों अथवा इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा प्रस्तावित निजी भूमि, जो उनके समुदाय की होगी, पर 6 महीने के अंदर स्थानांतरित कर दिया जाए या उसे हटा दिया जाए। इस खबर में सिर्फ इतना ही। मैं इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। इसके साथ ही ऐसी और भी खबरें पाने के लिए देखते रहे MIM News Express।